दोस्तों टाइगर थ्री आ रही है 6 दिन बाद, दिवाली वाले दिन 12 तारीख को। टाइगर थ्री दुनिया भर में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म को लेके जो ऑडियंस के अंदर क्रेज देखने को मिल रहा है वो भाई साहब लाजवाब है। ये पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले टाइगर थ्री एडवांस बुकिंग के बारे में कि 2 दिन में एडवांस ने कितना कलेक्शन किया है, और पहले दिन की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी लगाएंगे। दोस्तों दिवाली में तो पटाखे सभी फोड़ते हैं, बॉक्स ऑफिस पर पटाखा फोड़ते हुए नज़र आएंगे सलमान खान, उनके साथ में कटरीना कैफ। दोस्तों पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट जैसे जैसे करीब आएगी ये फिल्म में उतना ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें टाइगर थ्री एडवांस बुकिंग के बारे में, 2 दिनों में कितना कलेक्शन किया है। 12:20 का आफ्टरनून शो कोट निकल के आए हैं, लगभग 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। बात करें कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई हैं, तो 2,13,045 टिकट सोल्ड आउट हुई हैं, और टोटल की बात करें कलेक्शन के एडवांस बुकिंग से 9,45,00,000 जा चुकी है एडवांस बुकिंग से कलेक्शन। एक तरफ दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है टाइगर थ्री मूवी के एडवांस। दोस्तों रिलीज होने में ही अभी 6 दिन बाकी है, एडवांस बुकिंग 6 दिनों में ताबड़तोड़ देखने को मिल सकती है। बात कर ली जाए पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में कितना कलेक्शन कर सकती है। तो सुमित कदेल की माने तो 30 करोड़ और 40 करोड़ वर्ल्ड वाइड की कलेक्शन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ले सकती है टाइगर थ्री। फिल्म की लाइफ टाइम की कमाई 500 से 600 करोड़ तक देखने को मिल सकती है। दोस्तों कोई मोई की माने तो 60 से 65 करोड़ वर्ल्ड वाइड से कर सकती है, और पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है जो 57 करोड़ है, और वार का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है जो 53,35,00,000 रुपए है। दोस्तों ऑडियंस का पागलपन देख के पता लग रहा है कि दिवाली वाले दिन डबल धमाका होने वाला। सलमान खान की ये करियर की सबसे बड़ी मूवी है। दोस्तों सबका प्रेडिक्शन तो देख ही लिया होगा, हमारी माने तो ये ऑल लैंग्वेज से ये 70 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली है पहले ही दिन।